हेलो ऑल स्टूडेंट्स वेलकम टू वेट स्टूडेंट्स माय नेम इज अर्पित सोनी एंड आई एम योर डी एलामेंट स्टूडेंट्स दिस से टॉक बिटवीन यू एंड मी डोंट थिंक कि ये पूरी मैं ऑडियंस को टारगेट कर रहा हूँ जस्ट थिंक दैट आई एम टॉकिंग टू यू ओनली आपके रूम के अंदर मैं बैठा हूँ आपके साथ और ये कॉन्वर्जेशन सिर्फ आप और मेरे बीच में होने वाली है स्टूडेंट्स वैसे मैंने इस पूरे सेशन को प्लान नहीं किया है. मेरे दिमाग में भी कुछ आइडियाज आए हैं कुछ इंसाइट्स आए हैं एंड आएम गोइंग टू शेयर विद यू मैं चाहता हूं कि जो मेरे दिमाग में ये डायरेक्टली मैं रिकॉर्ड कर लूँ सो दैट आई डोंट आइडियाज डोंट गेट वेनेस्ट फ्रॉम माई माइंड बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथ ही में दिस कॉन्वर्जेशन बिटवीन यू एंड मी इज गोइंग टू एन गेम चेंजर कॉन्वर्जेशन इट्स एन आई ओपनिंग वीडियो फॉर यू गाइस इफ यू आर कैट एस्पिरेंट जो कि शायद मेहनत कर रहा है या अगर अपना टाइम वेस्ट कर रहा है नो मैटर इफ यू वॉच दिस वीडियो इफ यू वॉच दिस सेशन केयरफुली एट दी एंड ऑफ द सेशन यूल मोर क्लैरिटी रिगार्डिंग द कैट एग्जाम कि यह कैट एग्जाम हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है साथ ही में आपको एक पूरा मास्टर प्लान इतनी क्लैरिटी मिल जाएगी कि सर ये जर्नी सिर्फ उस कॉलेज तक की नहीं है ये जर्नी खुद को एक काबिल स्टूडेंट बनाने की है देखा जाए कुछ सालों पहले मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन बहुत सिंपल था डेट अर्प टेल मी वॉट इज येस्ट अर्निंग एज अ स्टूडेंट इस क्वेश्चन ने मैं काफी मेरा दिमाग खाया था बहुत दिनों तक मैं इसमें परेशान रहा अब मेरा भी आपसे सेम क्वेश्चन है टेल मी वट इज योर बिगेस्ट अर्निंग एज अ स्टूडेंट एज स्टूडेंट एज अ स्टूडेंट आपकी बिगेस्ट अर्निंग है क्या यू नीड टू आंसर दिस क्वेश्चन योर बिगेस्ट अर्निंग है क्या भाई अगर इस क्वेश्चन का अगर आपने आंसर कर दिया तो कहीं ना कहीं आपकी कैट जर्नी इतनी स्ट्रांग और इतनी पावरफुल हो जाएगी कि आप कभी रिजल्ट से डरोगे भी नहीं और हमेशा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रहेगा कि सर हां लाइफ में मैं कुछ ना कुछ बड़ा कर ही लूंगा देखते थोड़ा सी आगे बात करता हूं मैं सबसे पहले बात करते हैं अपन कैट एग्जाम को लेकर कैट ट्वेंटी फोर जो कि होने वाला है मोस्ट प्रेबली ट्वेंटी फोर्थ ऑफ नवंबर ट्वेंटी ट्वेंटी फोर इट्स नॉट फाइनल डेट बट मोस्ट प्रेबली इट्स गोइंग टू बी द डेट जहां कैट कंडक्ट होने वाला है स्टूडेंट्स टेल मी वाई कैट इज इंपॉर्टेंट वाई कैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू आपको कैट देना क्यों है कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा है आपने आपसे कि इस कैट एग्जाम से होगा क्या जब मैंने काफी स्टूडेंट से इस एग्जाम के बारे में पूछा कि यह कैट आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है उनके आंसर सुनना की उनके आंसर्स क्या थे सबसे पहले किसी ने कहा सर टॉप बी स्कूल्स में एडमिशन मिल जाता है सर टॉप बी स्कूल्स जिसमें सर अपने आई एम्स भी आ जाते हैं और अदर स्कूल्स भी आ जाते हैं लाइक एफ एम एस एक्सएल बहुत अच्छी बात है सेकेंड किसी ने कहा सर करियर ग्रोथ सर मैं इंजीनियर हूँ मेरा पैकेज अभी सेवन एल पी ए का है सर अच्छे कॉलेज से एम बी ए कर लूंगा तो अराउंड सर ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी फाइव प्लस थर्टी प्लस एल पी ए जो मिल सकता है ईजिली बिकॉज इंजीनियर्स एंड एम बी ए दोनों का कॉम्बिनेशन इज लाइक चेरी ऑन केक नाइस किसी ने कहा सर मुझे एक्सप्लोर करना है सर एक्सप्लोर क्या करना है एक्सप्लोर करने से डिफरेंट फील्ड्स मैनेजरियल रोल्स को मुझे एक्सप्लोर करना है सर क्योंकि सर मैं कोडिंग करके इस इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट में फंस चुका हूं आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर वेरियस रोल्स वेरियस डिपार्टमेंट्स नाइस इट वॉज गुड जब मैंने ये सब चीज़ सुनी ना मुझे लगा कि हाँ ये बात बिल्कुल सही है लेकिन यार ऑल ऑफ दिस इज सुपरफिशियल यार ये हमारा गोल है डेफिनेटली ये हमारा पर्पस है दिस इज आर गोल दिस इज आर पर्पस दिस इज आर एम लेकिन हमारा एक और पर्पस होना चाहिए यार क्या पर्पस होना चाहिए अच्छे से समझना देखो ये जो पूरी जर्नी है ना कैट एग्जाम की जो कैट एग्जाम जर्नी है ना आपकी दिस इज अ ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी यहां आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है सर कैसा ट्रांसफॉर्मेशन याद रखना मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था अभी वॉट इज योर बिगेस्ट अर्निंग एज अ स्टूडेंट इसका आंसर अभी अपन करने वाले थोड़ी देर ठीक है दिस इज अ ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी दिस इज अ ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी वाई बिकॉज इन दिस जर्नी यू डोंट ओनली जस्ट लर्न कंसेप्ट यू डोंट ओनली जस्ट लर्न स्ट्रेटेजी यू लर्न यू इनकलकेट वेरियस स्किल्स कैसी कैसी स्किल्स सर जैसे डिसिप्लिन जैसे परसिवरेंस सर जैसे विल पावर सर जैसे सर सेल्फ स्टीम ये सब चीजें सेल्फ कॉन्फिडेंस ग्रोथ माइंडसेट मोस्ट इंपॉर्टेंट हाई सेल्फ बिलीफ एक स्ट्रॉन्ग सेल्फ बिलीफ ये सब कुछ हमारा साथ साथ में बिल्डअप होने लगता है जब हम कैट एग्जाम की जर्नी को थोड़ा सा सीरियसली लेना स्टार्ट करते हैं सी जब भी हम किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं ना तो सिर्फ हम एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे होते हैं हम अपने आप को जान रहे होते हैं सी किसी भी एग्जाम को करेक्ट करना सिर्फ कंसेप्ट का गेम नहीं है एक स्ट्रेटेजी का गेम है एक डिसिप्लिन का गेम है एक रूटीन का गेम है अभी भी कोई एथलीट एक टॉप लेवल एथलीट नहीं बना है बिना 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 डिसिप्लिन के, बिना बिना के, के, परसिवरेंस विल पावर और कॉम्पिटिशन डे बाई डे इंक्रीज होता चल रहा है सीट्स आर लिमिटेड लास्ट ईयर आपको पता है ना अराउंड थ्री लैख स्टूडेंट्स फिल्ड फॉर्म जिसमें से अराउंड टू लैक्स एटी एट थाउजेंड स्टूडेंट्स

जिस दिन आप अच्छे से प्रेपरेशन करते हो कहीं ना कहीं आप एक डिसिप्लिन करते हो परसिवरेंस का मतलब सर नहीं, सर, तो हार नहीं मुझे तो हारना ही नहीं मैं तो चलता चलूंगा आप खुद को ही कहते हो नहीं आगे बढ़ना है आगे बढ़ना है आगे हारना बढ़ना, आगे बढ़ना, आगे बढ़ना, आगे बढ़ना नहीं है right? इच्छा अचीव वेरी गुड स्कोर इन द कैट एग्जाम आई वॉन्ट टू गेट एडमिशन इन आई एम अहमदाबाद बैंगलोर क्याल कहता है

यहां कोई मनी नहीं आता है मनी इज नॉट द बिगेस्ट अर्निंग एज अ स्टूडेंट नहीं द बिगेस्ट अर्निंग एज अ स्टूडेंट इज सेटिंग हाई स्टैंडर्ड्स फॉर योर सेल्फ और बिल्डिंग अ सॉलिड कैरेक्टर फॉर योर सेल्फ ये होता है असल में एक बिगेस्ट अर्निंग एज अ स्टूडेंट दिस इज वॉट यू कैन गेन दिस इज वॉट यू कैन अर्न एज अ स्टूडेंट उसको अर्न करने के लिए क्या चाहिए यू नीड अ गोल जो कि जिसको अचीव करना थोड़ा सा मुश्किल है और गोल क्या है सर हमारे सामने कैट एग्जाम कैट एग्जाम एक ऐसा गोल है जो कि थोड़ा सा पावरफुल है थोड़ा सा इसमें स्कोर करना मुश्किल है इसी में तो मज़ा है ना जब एक ऐसा गोल है आपके सामने जिसमें पता है आपको कि आप जैसे बहुत हैं आपसे ऊपर भी बहुत हैं और उसके बीच में एक अच्छा मार्क्स एक अच्छे स्कोर को अचीव करना मुश्किल है तभी तो मज़ा आएगा ना उस गोल को अचीव करने में तभी तो हमें पता लगेगा कि डिसिप्लिन क्यों इंपॉर्टेंट है

द एरो राइट वो एन एरो देखा जाए युद्ध में क्या होता है दिस इज द एरो जो कि ओपोनेंट को मारता है एरो इज योर माइंड इस बात को समझो जिस तरह एरो किसी को भी किल कर सकता है एरो में पावर होती है तो ये पावर जो होती है ये पावर किसी को भी किल कर सकती है ये पावर कोई सा भी टारगेट अचीव कर सकती है कोई सा भी टारगेट अचीव कर सकती है सिमिलरली योर माइंड कैन अचीव एनीथिंग इस बात को समझ लो माइंड कैन अचीव एनी थिंग इस बात को आप अच्छे से समझ लो अभी तभी अचीव कर पाएगा जब आपका जो बो है ना बो जिसको धनुष कहते हैं ये बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए बिना इसके क्या तीर से कभी कोई मार सकता है क्या अरे मार भी देगा लेकिन उसका इतना इफेक्ट नहीं आएगा जिसका ये धनुष पूरा स्ट्रांग है जिसका ये पूरा पार्ट स्ट्रांग है जिसकी प्रतंजा जिसको अपन हिंदी में प्रतंजा कहते हैं ये स्ट्रांग है उससे ये वाला पार्ट स्ट्रांग बन जाता है तो ये जो है ना ये धनुष जो वो है ये है कैरेक्टर ये वो स्किल्स हैं जो आप इनकलकेट करते हो अपने अंदर लाइक डिसिप्लिन लाइक माइंड सेट लाइक परसिवरेंस विल पावर एटीट्यूड दिस इज ऑल हिडन दिस इज ऑलवेज हिडन लेकिन असल में ये पावरफुल है तो आपका जो माइंड है ना जो आपका जो माइंड है ये और भी पावरफुल बन जाता है इस बात को समझो स्टूडेंट्स मैं अगेन बता रहा हूं एज अ स्टूडेंट योर बिग्स्ट अर्निंग इज नॉट मनी योर बिगेस्ट अर्निंग इज सेटिंग हाई स्टैंडर्ड फॉर योर सेल्फ मान लेते कि आप अचीवर हो चलो तो मान लेते जिंदगी में आपने बहुत कुछ अचीव किया है ठीक है आप नेशनल लेवल पे कुछ बने हो कुछ और किया लेट्स सेट अव टारगेट एक ऐसा टारगेट सेट करो ना कि सर इस बार कैट एग्जाम में नाइनटी नाइन पॉइंट नाइन परसेंट टाइम मेरे ही आने वाले दिस इज वेरी टफ गेम या इतना टफ गेम है ना ये आपको महसूस हो जाएगा कि यहां पहुंचने में बारह बज जाती लेकिन सेट दिस टारगेट फॉर योर सेल्फ दिस इज दू है सेल्फ कि नहीं यार पुराने वाली चीजों को छोड़ो अपने पास्ट को भूलो एक नई लाइफ क्रिएट करते हैं, एक ऐसी लाइफ जहां हमारे पास अब बिल्कुल एक बिल्कुल ब्लैंक कैनवास है जहां हम एक नई एक नई अचीवमेंट एक नई जर्नी लिखने वाले हैं।

सच में कैट एक अच्छे लेवल का एग्जाम है इस बात को समझ लेना कैट इज नॉट छोटा सा गेम जिसमें अपन कुछ भी करके कुछ भी कंसेप्ट सीख के चीटिंग से पास हो जाएंगे यहां चीटिंग काम नहीं करती भाई यहां कंसेप्ट स्ट्रेटेजी या मैनेजमेंट काम करता है समझ रहे हो यहाँ एक पूरा प्रोसेस होता है ये प्रोसेस इतना स्लो होता है कि यहाँ हमें प्रोग्रेस नहीं दिखती है लेकिन फिर भी एट दी एंड अगर आप लगे हुए हो पूरे प्रोसेस में तो आपको रिजल्ट्स मिलते हैं

टारगेट सेट कर लो ना कि नहीं सर मुझे तो बेस्ट बनना है सर अब इसके लिए मुझे बहुत कुछ सीखना पड़ेगा क्या सीखना पड़ेगा खुद को मैनेज करना पड़ेगा खुद को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा साथ ही में एक बहुत इंपॉर्टेंट आप काम कर सकते हो जैसे मेरे पास डायरी है मेरी आई ऑलवेज मेंटेन अ डायरी विद माय सेल्फ सिर्फ 200-300 रुपए की डायरी आती है ऐसी मार्केट में जाओ खरीद के लाओ स्टार्ट राइटिंग डाउन योर थॉट्स ये काफी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है मैं आपको वर्ड्स में समझा नहीं सकता बट

मैंने जिसना एक ऑर्गेनाइज्ड पर्सन होता है ऑर्गेनाइज्ड जो स्टूडेंट होता है एक एस्पिरेंट होता है उसके दिमाग में सर एक चीज चल रही होती है वो एक चीज को इतना बढ़िया करता है और फिर नेक्स्ट टास्क मूव ऑन करता है मैं डायरी को देखता मैंने फर्स्ट पेज पे कोर्ट लिख रखा है स्वामी विवेकानंद का लेट मी डिस्प्लेड टू यू गाइस कैमरा में दिख सकता है शायद ये दिस इज द कोट ऑफ स्वामी विवेकानंद ये मेरे फर्स्ट पेज पर लिख रखा है लेट मी रीड इट फॉर यू गाइस स्वामी जी कहते हैं टेक अप वन आइडिया मेक दैट वन आइडिया योर लाइफ थिंक ऑफ इट ड्रीम ऑफ इट एंड लिव ऑन दैट आइडिया लेट द ब्रेन मसल्स नर्व एंड एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी बी फुल ऑफ दैट आइडिया एंड जस्ट लीव एवरी अदर आइडिया अलोन क्या कहा एवरी अदर आइडिया अलोन दिस इज द वे टू सक्सेस बात बहुत सिंपल है उन्होंने बहुत सिंपल सी बात कही है कि सक्सेस का सक्सेसफुल होने का रास्ता बहुत सिंपल है यार सिर्फ एक लक्ष्य होना चाहिए दिमाग में वो लक्ष्य क्या है सर अपने ऊपर विजय पाना as well as that, कैट को भी अपना लक्ष्य हटा दो अपने ऊपर ऐसा कि नहीं सर आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर माई सेल्फ आई वॉन्ट टू सी कि मेरे अंदर कितनी पावर्स है मैं जानना चाहता हूं कि मैं कितनी मेहनत कर सकता हूं समझो इस जर्नी में अगर आपको मजा आने लग गया ना तो इतना मजा आ जाएगा आपको और ऐसी बात छोड़ दो कि सर एक कैट अच्छे से निकाल लो उसके बाद मजे ही मजे नो no. देर इज नो मजे इन लाइफ इस बात को समझ लो हमेशा स्ट्रगल रहने वाला है हमेशा इतनी मेहनत रहने वाली है जितना आप सोच भी नहीं सकते आर आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन दैट इफ यू कैन वन ईयर एट आई एम अहमदाबाद यू कैन सर्वाइव एनी थिंग क्यों कहा उन्होंने ऐसा क्योंकि सर आई एम अहमदाबाद की जो फर्स्ट ईयर की लाइफ होती है ना इतनी हेक्टिक होती है कि वर्क लाइफ बैलेंस में बैलेंस गायब होता है सिर्फ वर्क ही होता है लाइफ नहीं होती है सोचो तो ऐसे ख्वाब छोड़ दो कि सर आज मेहनत कर लेता हूं कल आनंद आएंगे नहीं आनंद इज पार्ट ऑफ लाइफ ऐसे मत सोचो कि आनंद एक पूरे दिन में से दिन भर आनंद ही है नहीं ऐसा नहीं होता है वो साथ साथ में चलता है रहता है ऐसे ऐसे तो अभी मेहनत करनी है ताकि मैं मेहनती इंसान बन सकूं क्योंकि कल तो और ज्यादा मेहनत करनी इस बात को समझ लो दिस इज द रियल ट्रुथ ऑफ लाइफ सर आज मेहनत क्यों कर रहा हूं ताकि मैं अभी चलो जाऊं इस मेहनत के साथ क्योंकि कल तो फिर से करनी है और सो फिर से करनी है अगले साल भी करनी है उसके अगले साल भी करनी है, पे कर रहा हूं? जो कि मेरा कैट है जिसे मुझे क्रैक करना है कल आई एम में जाने के बाद एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम करूंगा जहां चार पांच लोग होंगे मेरे साथ जो डिफरेंट फील्ड से होंगे कोई सीए होगा कोई इंजीनियर होगा कोई क्या पता डॉक्टरी की फील्ड से आया होगा क्या पता कोई आर्ट से आया हो लिटरेचर से आया हो सोचो सर इतने दिमाग सब साथ में काम करेंगे तो कितना मजा आएगा देखो देर आर टू टाइप ऑफ पीपल जो कि इस मेहनत को दो तरह से देखते हैं एक देखते हैं मेहनत को एज अ स्ट्रेस 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 जो जो देखते हैं कि सर इतना काम काम कौन करेगा दिस इज लेके करता है उसको रिजल्ट भी स्ट्रेस जैसे ही मिलते हैं वो देखते हैं कि नहीं सर इस काम से मैं भागता हूं भागने का काम करते हूँ दिस इज स्ट्रेस वाले लोग भाग सेकंड वाले जो कि इस पूरे काम को इस पूरी जर्नी को तपस्या की तरह देखते हैं कि नहीं सर यही तो लाइफ का सत्य है ना कि सर हमें इतना काम करना है ताकि हम अपनी बॉडी को भयंकर लेवल पे खींच सके कि कहां तक ये जा सकती है कितने दिमाग को अपन खींच सकते हैं इतना भयंकर जो कहते हैं ना कि माइंड इज टू पावरफुल इट कैन अचीव लेट्स एक्सप्लोर दिस लेट्स प्रूव दैट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और नॉट देखते हैं ना सर कि असल में अचीव कर सकते हैं या नहीं असल में बताऊं ना यू रियलाइज इंसान असल में खुश अच्छा काम करने से ही होता है वेन यू डू योर ड्यूटी विथ फुल डेडिकेशन एंड कमिटमेंट यू विल वेरी हैप्पी इस बात को समझो इतना आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि चाहे रिजल्ट दिखे या ना दिखे है समझो तो इस पूरी जर्नी को ऐसे लो कि जर्नी मेरे लिए तपस्या की तरह है मैं काफी मेहनत करने वाला हूं जर्नी में सो दैट आई कैन री इनवेंट माई सेल्फ अपने आप को मैं जान सकू एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बिल्ड कर सकूं वो स्किल्स इंप्रूव कर सकूं कि जिससे जो मेरा धनुष है जो मेरी बो है वो स्ट्रांग बन जाए जब मेरी बो स्ट्रांग होगी ना तो उसके बाद मेरा माइंड जब स्ट्रांग करूंगा धीरे धीरे तो जब सर वो पूरा लगेगा ना सर तो किसी भी एम को अचीव करना मेरे लिए बड़ी बात नहीं रहेगी इस बात को समझो इज द सीक्रेट टू सक्सेस जो कि स्वामी जी ने बताया टेक अप वन आइडिया अगले छह महीने के लिए अगले पांच महीने के लिए दूसरे आइडियाज को छोड़ दो जस्ट फोकस ऑन अ प्रोजेक्ट दैट अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाना है इन द इन टर्म्स ऑफ एन एस्पिरेंट एक ऐसा एस्पिरेंट बनना है कि नहीं सर कि मैं कैट अगर हार भी जाऊं कैट एग्जाम में अच्छे से ना भी निकले तो कभी अपने आप पे डाउट ना कर सकूं कर पाऊंगा देखो मैं नहीं चाहता हूं कि देखो अपन खुद भी जानते हैं कि कैट एग्जाम में लिटिल बिट ऑफ लक भी मैटर करता है लेकिन सोचो ना आप एग्जाम देने गए हो आप अपना हंड्रेड परसेंट लगा कर आयो अगर रिजल्ट आया तो आप खुश हो गए खुश हो गए बट इनकेस

समाज का कोई भी इंसान कोई भी ऐसा नेगेटिव पर्सन आपको कभी भी हिला नहीं पाएगा अपने लक्ष्य से क्योंकि आपका क्या कैरेक्टर स्ट्रांग बन चुका है आपको पता है कि मेरी इतनी औकात है और अगर मैं और काम करूंगा ना तो और औकात बढ़ जाएगी सिंपल सी बात है और मेरे एक दोस्त ने मुझे हमेशा कहा था कि अरे जब भी थक जाए ना इस स्टेटमेंट को याद रखना इस स्टेटमेंट से तुझे इतनी एनर्जी मिलेगी कि नहीं यार और काम कर लेते वो स्टेटमेंट क्या है जब भी थक जाओ इस स्टेटमेंट को पूछो अपने आप से कहां पहुंचूंगा अगर लगा दो थोड़ा सा और जोर सोचो तो जो कितना पावरफुल स्टेटमेंट है कि अगर थोड़ा सा अगर जोर और लगा दिया तो कहां कहां पर पहुंच सकते हैं बस ये जोर का ही तो फर्क है थोड़ा सा एफर्ट्स और रिजल्ट चेंज थोड़ा, थोड़ा 99.9 बनाता है ज सिंपल एज दैट एक थोड़ा सा एफर्ट्स 70 से 80 तक आता है 80 से 90 तक आता है 90 से 98, 99। थोड़े से एफर्ट्स का ही फर्क है।, है क्या आज से अपना गोल क्या रखना है आप लोगों को कि सर आई वॉन्ट टू बिकम अ सक्सेसफुल एस्पिरेंट एक सक्सेसफुल एस्पिरेंट बनना है सर कैट एग्जाम क्रैक होगा या नहीं आई डोंट नो क्या मुझे करैक्ट करना है हाँ सर करैक्ट तो पक्का पक्का करना है करेंगे तो हम ही सर क्रैक लेकिन सर मुझे पता नहीं सर क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि मेरे कंट्रोल के बाहर के लेकिन इतना पता है कि एक सक्सेसफुल एस्पिरेंट मैं बनूंगा सर अगर कभी बाई चांस इसका अवार्ड मिलेगा तो वो मुझे मिलेगा सर और किसी को नहीं मिलेगा क्योंकि मैं अपनी पूरी जान लगाने वाला हूं क्लियर है क्या पॉइंट आप लोगों को सी स्टूडेंट्स ये थोड़ा सा मतलब जो मेरे दिमाग में आ रहा है आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा हूं एज सिंपल एज दैट और कुछ नहीं अब एक और खास बात आती है जब भी मैं इस तरह के सेशंस लेता हूं ना तो थोड़े से काइंड ऑफ ऑनेस्ट टॉक है या इंस्पिरेशनल स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर थोड़े दिनों तक तो, तो बहुत अच्छा लगता है जैसे अभी हम सुन रहे हैं आपको काफी अच्छा लग रहा है बट सर थोड़े दिनों बाद हम सब चीजें भूल जाएंगे ये कॉन्वर्जेशन भूल जाएंगे सब कुछ हमारे विल पावर वापस नीचे बहुत सिंपल सी टेक्निक बता रहा हूं कि विल पावर को स्ट्रोंग कैसे करते हैं या विल पावर को हमेशा एनर्जाइज कैसे रखते हैं विल पावर कैसे बिल्डअप होती है देखो एक्चुअल तरीका मुझे नहीं पता है मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पर जो तरीका आपने सोचा है जिस टेक्निक को जिस मेथड को मैं अप्लाई करता हूं वो आपके साथ शेयर कर सकता हूं एज सिंपल एज दैट ठीक है सी फर्स्ट टास्क देखो ये प्रोसेस थोड़ा सा स्लो है लेकिन इसमें रिजल्ट पक्का मिलते हैं इस बात को समझना रिजल्ट तो पक्का ही मिलते हैं इसके अंदर फर्स्ट इज आपका रोल मॉडल कौन है सी आपके रोल मॉडल्स मॉडल नहीं मॉडल्स क्योंकि हमारी लाइफ में देखो मेरी लाइफ में कोई एक रोल मॉडल नहीं है कई सारे आइडल्स हैं जैसे अगर मैं बात करूं डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स के डिफरेंट डिफरेंट आइडल्स लाइक जब मैं किसी फील्ड की मास्टरी को लेकर बात करता हूँ या कुछ ऐसा कि नहीं यार इस इंसान ने अपने फील्ड में टॉप पर गया देन सचिन तेंदुलकर इज माई रोल मॉडल जब मैं नॉलेज से रिलेटेड बात करता हूँ तो मेरे स्वामी विवेकानंद रोल मॉडल है जब मैं करेज डिसिप्लिन कमिटमेंट इन चीजों से रिलेटेड बात करता हूँ तो महाराणा प्रताप मेरे रोल मॉडल है तो डिफरेंट डिफरेंट रोल मॉडल्स होते हैं हमारे डिफरेंट 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 एस्पेक्ट्स को लेकर। तो रिलेटेड जितना कुछ कॉन्टेंट अवेलेबल है इस दुनिया में, इंटरनेट पे बुक्स के थ्रू वीडियो के थ्रू सब कुछ देख डालो जैसे मैं पकड़ता हूँ सचिन तेंदुलकर सर को ठीक है मुझे पता लगा कि उनके इनकी एक मूवी भी है ठीक है मैं मूवी देख लूंगा सेकंड पार्ट उनके खुद की बुक है प्लेइंग इट माय वे मैं उस पूरी बुक को रीड कर लूंगा उनके कुछ इंटरव्यूज है यूट्यूब पे उन सबको मैं देख लूंगा इससे होगा क्या देखो जो रोल मॉडल हमारा है हमारा अगर कोई रोल मॉडल है तो हमारे लिए वो हीरो है वी एडमायर दैट पर्सन तो जब हम उनकी स्टोरीज जब उनकी बातें सुनते हैं ना तो हमारे अंदर एक ऐसा एन्वायरमेंट क्रिएट होता है सी कहते हैं ना कि हमारे सराउंडिंग स्ट्रांग होनी चाहिए तो जब हम कोई बुक या कुछ अच्छी वीडियो देख रहे होते हैं रेगुलर बेसिस पे तो हमारा जो एनवायरमेंट है दिमाग के अंदर का वो चेंज होता है जब हमारे सचिन सर की हम जब बातें देखेंगे कि नहीं यार सर ये तो यार अपनी जब जैसे सेंचुरी मारने के बाद अगले दिन ही अपने एडवर्टिजमेंट भी नहीं देखते थे अपना हेडलाइन भी नहीं देखते थे न्यूज़पेपर में पहले ही प्रैक्टिस करने जाते थे वाह यार व्हाट अ कमिटमेंट टू द क्रिकेट इनके लिए क्रिकेट मंदिर जाने जैसा था ग्राउंड मंदिर जाने जैसा था इस मीन्स नहीं सर अपन तो क्या ही कर रहे हैं फिर आपको अपनी लाइफ थोड़ी सी छोटी लगेगी तो आप बड़ा सोचना स्टार्ट करोगे तो जब आप बड़ा सोचना स्टार्ट करोगे तो आपकी विल पावर ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी सिर्फ तीन से चार महीने इस पूरे टास्क को फॉलो करो थ्री फोर अब ये थ्री फोर मंथ्स का टाइम पीरियड बहुत स्ट्रॉग है ना भाई इसी में ही तो देखो मैंने कहा ना स्लो प्रोसेस लेकिन रिजल्ट गारंटीड तीन चार महीने के अंदर जितने भी आपके रोल मॉडल्स हैं उनके बारे में स्टडी कर लो जितना भी कुछ है आप खुद देखना आपका कभी भी विल पावर स्ट्रॉन्ग मतलब वीक होगा ही नहीं आप हमेशा एनर्जाइज ही फील करोगे आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि नहीं सर अपन को तो बहुत कुछ फाड़ना है सर जिंदगी में क्लियर है क्या पॉइंट सो स्टूडेंट्स ये जो पूरी टॉक थी इसका पूरा पर्पस बेस ये है कि दिस इज द राइट टाइम टू चेंज योर सेल्फ दिस इज द राइट टाइम टू री इन्वेंट योर सेल्फ दिस इज द राइट टाइम टू क्रिएट न्यू बेंचमार्क्स न्यू स्टैंडर्ड्स फॉर योर लाइफ सी हम यहाँ किसी और को प्रूव करने नहीं आए हैं हम यहाँ सिर्फ अपने आप को प्रूव करने आए हैं कि आई एम केपेबल ऑफ डूइंग एनी थिंग इन दिस वर्ल्ड माई माइंड कैन अचीव एनी थिंग वट एवर इट कैन कंसीव एंड बिलीव इस बात को समझो हमें इस लाइन्स को इन स्टेटमेंट्स को प्रूव करना है अपने लिए अब हम हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है नाउ इट्स टाइम टू प्रूव नाउ इट्स टाइम टू वर्क क्या एग्जाम सिर्फ आई एम्स में जाने का रास्ता नहीं है कैट एग्जाम इज अ ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी इस जर्नी के बाद डिफरेंट पर्सन एक ऐसा पर्सन जिसका कैरेक्टर आज से स्ट्रांग होगा जो एक डिसिप्लिन इंसान होगा और डिसिप्लिन से बनता है मोमेंटम मोमेंटम की आप पावर जानते नहीं हो ड हो ना आप लोग क्या कहता है बॉडी एटरेस्ट विल बी एटरेस्ट एंड बॉडी इन मोशन जिसका मोमेंटम बिल्ड हो जाता है ना जिसका मोमेंटम बन जाता है उसके बाद उसको रोकना मुश्किल इसीलिए आज से छुट्टियाँ लेना बंद सर काम करेंगे अपन को तो अच्छा खासा और रही बात मन में ये कि सर लाइफ में चिल भी करना चाहिए रिलैक्स भी करना चाहिए सी अंडरस्टैंड घूमने का मजा चिल करने का मजा असल में तभी आता है जब हमने बहुत सारा काम कर लिया हो जब हम इतना काम कर लेते हैं ना कि नहीं सर अब मुझे लग रहा है कि मैं बहुत कुछ काम कर चुका हूं नाउ आई एम एग्जॉस्टेड तब घूमने का जो मजा आता है तब एक्सप्लोर करने का जो मजा आता है उसमें एक अलग फ्लेवर होता है मजा अलग होता है उसमें क्लियर है तो स्टूडेंट्स